भी लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आसपास सभी बैठे हुए दर्शक जो हैं वो अपने स्थान पर तो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और आज के जो इंस्पेक्शन व्हीकल हाई स्कूल रामबन तीसरा दस्ता फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जवान उनके पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन इनके पीछे इंडियन स्टार मैत्रा गर्ल्स हाई स्कूल रामबन उनके ठीक पीछे विशाल एकेडमी मैत्रा गवर्नमेंट हाई स्कूल परनो शुभ प्रभात। जिला रामबन में हमारे भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाने के कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल में आए सभी प्रतिभागियों को एवं रामबन निवासियों को मेरी ओर से जय हिंद। आप सभी का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। भारत की आजादी के 70 वर्ष पूरे होने और आजादी के अमृत महोत्सव का समापन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान हमारे देश के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास है। ये अभियान आजादी की लड़ाई एक संग्राम था जिसमें आजादी के लिए ना जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आजादी की ये लड़ाई समूचे भारत में लड़ी गई जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों के सेनानियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। अब एक आजाद देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दें। मन समर्पित तन समर्पित रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। मेरी माटी मेरे देश अभियान के अंतर्गत
भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ग्रामों से 7500 कलशों में मिट्टी लाई जाएगी। इस मिट्टी का उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनी अमृत वाटिका को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में एक शिला फलकम स्थापित की जाएगी, इस पर देश के शहीदों का नाम अंकित किया जाएगा। हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे कई वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानी तो ऐसे हैं जिनके बारे में देश के नागरिकों को मालूम नहीं है। वे आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए और उनकी कुर्बानी के बारे में कोई नहीं जानता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ उनके नाम को एक स्मारक पट्टी पर अंकित भी किया जाएगा। भारत को आजाद हुए 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आजादी के 70 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग राज्यों के ग्रामों से 7500 कलशों में मिट्टी लाई जाएगी। इस मिट्टी को दिल्ली लाकर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। देश के सभी ग्राम पंचायतों में सेनानियों की याद में स्मारक बनाकर उन शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान तो दिया लेकिन वे अब तक गुमनाम रहे हैं। ये अभियान उन्हीं गुमनाम शहीदों को सम्मान देने तथा उनके बलिदान को नमन करने का एक अवसर है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद देशभर में इस अभियान के अंतर्गत 30 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत वसुधा कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक गांव में स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधों को लगाया जाएगा। यह जिम्मेदारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को दी गई है और सभी विभाग मिलकर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। ये अभियान न केवल गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास है। इस अभियान में हम सब जन भागीदारी लेकर स्वयं को और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई है जहां हम मिट्टी या मिट्टी के दिए के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने और राष्ट्रहित के लिए शुरू किए गए इस अभियान को सफल बनाएं। आज जब हम सभी आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी में हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करें जिनकी बदौलत आज हम आजाद फिजा में सांस ले पा रहे हैं। साथ ही साथ उन सब सशस्त्र सेना बलों के वीर जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमारी आजादी सुरक्षित है। बहुत ही खूबसूरत परेड का मुजाहिरा करते हुए पहला कंटिजेंट IRP 16वीं बटालियन ASI मुश्ताक अहमद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए इसकी कमांड कर रहे हैं PSI स्वेत सिंह मंच के सामने से गुजरते हुए अगला दस्ता फायर चैन सिंह मंच के सामने से राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए गुजरता ये दस्ता। अगला दस्ता होम गार्ड्स जिसकी कमांड कर रहे हैं सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन कुमार। हमारी सुरक्षा के साथ साथ हर राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हमारे जवान। हाई
सेकेंडरी स्कूल रामबन के होनहार छात्र जिसकी कमान कर रहे हैं अरमान जहीर बाली और इसके फ्लैग कमांडर हैं मोहम्मद इशफाक, मंच के सामने से गुजरते हुए अपने तिरंगे झंडे को सलामी। की कमान कर रही है वंदना शर्मा और इसकी फ्लैग कमांडर हैं काजल भगत, तिरंगे को अपने सीने पे लगाए ये बच्चों का, जिसकी कमान कर रहे हैं सोएब नाइक और इसके फ्लैग कमांडर हैं बाबर। नेशनल एकेडमी रामबन का ये दस्ता जिसकी कमान कर रहे हैं आर्यन कटोच और इसके फ्लैग कमांडर हैं अनदीप कटोच। भारत को विश्व की सबसे बड़ी शब्दों की गड़गड़ाहट के बीच में हमारे अगले स्कूली दस्ते का इंडियन स्टार मैत्रा जिसकी कमान कर रहे हैं आमिर रुनियाल और इसके फ्लैग कड़कड़ाती धूप है या चाहे बारिशें हो, इन बच्चों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसलिंग सेल रहते हैं, वन स्टॉप सेंटर कलाकार जो है सभी पात्रों का ये चश्मा है।